विधि गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? लास्ट क्लास में मैंने आपको स्वर संधि कराई थी, आज हम व्यंजन और विसर्ग के बारे में बात करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको मेन परिभाषा ध्यान रखनी है, रूल मैं पढ़ाऊंगी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, बट आपको जो मेन परिभाषा है वो याद रखनी है, क्योंकि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको संधि को तोड़ना होगा और पहले शब्द का आखिरी वर्ण देखना है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखना है, ठीक है? अगर वो आपकी परिभाषा से मैच करता हुआ है या आपके किसी भी नियम से मैच करता हुआ, जैसे स्वर संधि में तो चलो नियमों के नाम है, तो वहां तो आपको नियमों से मैच करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण भी स्वर हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर हो और स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि। लेकिन वहां पर तो चलो नियमों के नाम है कि हाँ, तो आपको नियम याद रखने हैं, लेकिन यहाँ व्यंजन में या विसर्ग में नियमों के नाम नहीं हैं, तो आपको नियम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नियम समझना है। आपको जो याद रखना है वो मेन परिभाषा याद रखनी है कि व्यंजन संधि कहाँ होती है और विसर्ग संधि क्या होती है, कहाँ होती है। तो आपको शब्द को तोड़कर देखना है, अगर आपका शब्द टूटता है और उसकी परिभाषा से मैच कर जाता है, व्यंजन संधि की परिभाषा से मैच कर जाता है तो व्यंजन संधि होगा, और विसर्ग संधि की परिभाषा से मैच कर जाता है तो विसर्ग संधि होगा, ठीक है? तो नियम मैं आपको आपकी जानकारी के लिए पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको मेन परिभाषा जाननी है और परिभाषा से मैच करके, क्योंकि शब्द तोड़ोगे तो परिभाषा से मैच करना पड़ेगा, व्यंजन और विसर्ग संधि में परिभाषा से मैच हो गया तो जहां, अगर व्यंजन की परिभाषा से मैच हो गया तो व्यंजन संधि होगी और विसर्ग की परिभाषा से मैच हो गया तो विसर्ग संधि होगी। बहुत आसान है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत काम होके शांति से बैठोगे, ठीक है? बिल्कुल बहुत ईजी है सब कुछ। तो क्या स्टार्ट करना चाहिए? स्टार्ट करें। गुड इवनिंग भाई सभी को, पूजा, विधि, सतीश, विपुल, अंशुल, सलमान, रजनी, कनिष्क, अभिषेक, शिवानी, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, तो जो चीज मैंने आपको बताई है बस उसको ध्यान में रखो, नियम सिर्फ समझो, नियम को याद नहीं रखना है, क्योंकि यहां पर नियमों के नाम नहीं है। स्वर संधि में तो भाई हर एक नियम का नाम था, तो आपको वहां पे नियम याद रखने थे, लेकिन व्यंजन या विसर्ग संधि में नियमों के नाम नहीं हैं, तो आपको नियम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको सिर्फ समझना है। तो बहुत ध्यान से सुनना है इसकी परिभाषा, व्यंजन संधि कहाँ होगी? जहां पर व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, व्यंजन का स्वर से मेल हो, या स्वर का व्यंजन से मेल हो, इन तीनों जगह पे व्यंजन संधि होगी। कहने का मतलब ये है कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर व्यंजन है दोनों, तब भी व्यंजन संधि है। अगर पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन है, या नीचे लिख देती हूँ, पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर है, तब भी व्यंजन संधि होगी। और यदि पहले शब्द का आखिरी वर्ण स्वर है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन है, तब भी वहां व्यंजन संधि होगी, ठीक है? तो फटाफट से मुझे ये बताएं कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है, जल्दी से बता दो, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? बिल्कुल बता सकते हो। क्या करना है? शब्द तोड़ना है, ठीक है? शब्द तोड़ा, उज्ज्वल उत जमा ज्वल से मिलकर बन रहा है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण भी व्यंजन है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी व्यंजन है, और व्यंजन का व्यंजन से मेल क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। सिर्फ इतना काम है, ठीक है? सिर्फ इतना सा काम है बस, और कुछ नहीं है व्यंजन संधि में। बट हाँ, मैं आपको नियम पढ़ाऊंगी कि भाई आप ये बता सकें किसी को कि जो दिग्गज है वो दिक् जमा गज से मिलकर बना है और ये क किस वजह से ग में बदल गया, जबकि हमें तो, हमारा काम तो सिर्फ इतना है कि दिग्गज को हमने तोड़ा, हमने देखा दिक् जमा गज से मिलकर बना है, क क्या है? व्यंजन, ग क्या है? स्वर।
स्वर का व्यंजन से मेल हो रहा है, व्यंजन संधि है ना, व्यंजन संधि है बस। तो चलो अब नियम देख लेते हैं। पहला नियम कि यदि क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का, भाई इनमें से किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, य र ल व ह आ जाए या कोई भी स्वर आ जाए, तो ये जो क च ट त प हैं ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। किसमें? तीसरे वर्ण में। तो क किसमें बदल जाएगा? आधे ग में, क्योंकि च आधा है तो बदलेगा किसमें? आधे ज में, च छ ज, तीसरा वर्ण ज है ना। ट किसमें बदल जाएगा? ट ठ ड में। त किसमें बदलेगा? त थ द में। और प किसमें बदलेगा? प फ व में। पहला नियम कह रहा है कि यदि क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए। मैंने क्या बोला कनिष, नियम याद नहीं रखने हैं, सिर्फ डेफिनेशन जो बताई थी वो याद रखना, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नियम तो मैं आपको समझा रही हूँ, डेफिनेशन जो याद रखी बताई थी उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। या यार अलावा ह आ जाए या कोई भी स्वर आ जाए, तो क बदल जाता है ग में, च बदल जाता है ज में, ट ड में, त द में और प ब में। चलो दिग्गज, हमारा काम सिर्फ इतना सा है एग्जाम में कि हम शब्द को तोड़ देंगे, दिग जमा गज, पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन, दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर, व्यंजन का स्वर से मेल है, व्यंजन संधि है, सीधे सीधे। लेकिन कोई अगर आपसे पूछ ले कि भाई दिग जमा गज से मिलकर दिग्गज ही क्यों बना है, क कहाँ गया, तो आप कैसे बताओगे? तो देखो क के बाद क्या आया, तीसरा वर्ण आया, तो क को किसमें बदल जाना है? तीसरे वर्ण में बदल जाना है। देखो बदल गया, जगदीश किन दो शब्दों से मिलकर बना? जगत जमा ईश, स्वर का व्यंजन से मेल हो रहा है, सॉरी व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है, पहले व्यंजन है फिर स्वर है, व्यंजन संधि होगी। त के बाद क्या आया? स्वर आया, तो त को किसमें बदलना है? भाई तीसरे वर्ण में बदलना है, द में बदल जाएगा। लेकिन जब ये द ई में मिलेगा तो पूरा हो जाएगा और मात्रा आ जाएगी जगदीश। अजंता अच जमा अंता से मिलकर बना है। च के बाद क्या आया? स्वर, तो च को किसमें बदलना है? तीसरे वर्ण में, ज में बदल जाएगा, आधे ज में। लेकिन आधा जब जब आ में मिलेगा तो पूरा हो जाएगा अजंता। सदाचार सत जमा आचार से मिलकर बना है। ता के बाद स्वर आया, तो ता को किसमें बदलना है? तीसरे वर्ण में। लेकिन ये द आधा द जब आ में मिलेगा तो पूरा हो जाएगा और मात्रा लग जाएगी सदाचार। अब अप जमा ज से मिलकर बना है। प के बाद क्या आया? तीसरा वर्ण, तो प को किसमें बदल जाना है? तीसरे वर्ण में। देखो बदल गया, क्लियर? क्लियर है पहला नियम? चलो अगले नियम पे चलते हैं। अगला नियम कह रहा है कि यदि क च ट त प के बाद न या म में से कुछ भी आ जाए, तो न और म आपको पता है ना ये पांचवें वर्ण होते हैं, पांचवें वर्ण है ना, तो न या म कुछ भी आ जाए तो क च ट त प भी इन पांचवें वर्ण को देखकर अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। मतलब क बदल जाएगा अंगा में, मतलब अणाखाली में, च बदल जाएगा इया में, ट बदल जाएगा ण में, त बदल जाएगा न में और प बदल जाएगा म में। तो अगला नियम कह रहा है कि क च ट त प के बाद अगर न या म है, न या म में से कुछ भी हो, और न या म आपको पता है पांचवा वर्ण है, तो क च ट त प भी अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। जैसे जगन्नाथ, भाई आपका काम तो यही खत्म हो गया एग्जाम में, आपने टुकड़े करके देखा जगत जमा नाथ से मिलकर बना है, त में क्या है? व्यंजन, नाथ में क्या है? स्वर, व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है, व्यंजन संधि है। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये त न में कैसे बदल गया। त के बाद न आया, तो त को किसे बदलना है? अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में, तो त का अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण ना है ना, तो देखो ना में बदल गया। वांगम में किन दो शब्दों से मिलकर बना है? वाक जमा मैं, क के बाद म आया, तो क देखो
अपने ही वर्ग के पांचवे वर्ण में बदल गया। षणमुख, षट जमा मुख से मिलकर बना है, ट के बाद म आया तो ट देखो अपने ही वर्ग के पांचवे वर्ण में बदल गया। उन्नति, उत्त जमा नति से मिलकर बना है, त के बाद न आया तो त देखो अपने ही वर्ग के पांचवे वर्ण में बदल गया। और षणमास, षट जमा मास से मिलकर बना है, ट के बाद म आया तो ट देखो अपने ही वर्ग के पांचवे वर्ण में बदल गया। तो अगला नियम क्लियर कि अगर क च ट त प के बाद न या मा जो कि अपने आप में पांचवे वर्ण है उनमें से कुछ भी होगा तो क च ट त प भी अपने ही वर्ग के पांचवे वर्ण में बदल जाएगा। मैम संधि में तत्सम तद्भव का रूल भी होता है, संधि हमेशा तत्सम शब्दों में होती है मतलब संस्कृत के शब्दों में होगी, ये सारे के सारे आपको संस्कृत के शब्द मिलेंगे। ऑल क्लियर, ठीक है चलो अब कुछ त संबंधी नियम देखेंगे, सिर्फ त वर्ण से संबंधित नियम होते हैं कुछ वो देख लेते हैं। त संबंधी नियम कह रहा है कि यदि त के बाद मतलब त कैसा रहेगा आधा, त के बाद च या छ आएगा तो त च में बदल जाएगा, मतलब त के बाद च आए या छ आए त किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा क्योंकि त आधा था तो च भी आधा होगा। उच्चारण, आपका काम तो यही खत्म हो गया कि उत्त जमा चारण, पहले वर्ण पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन, दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर, व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है व्यंजन संधि है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये त च में कैसे बदल गया, तो देखो त के बाद च आया तो त बदल गया च में। उच्चारण, उच्चरित, उत्त जमा चरित से मिलकर बना है, त के बाद च आया तो त बदल गया च में। जगत छाया, जगत जमा छाया से मिलकर बना है, त के बाद छ आया तो त बदल गया च में। हां जी, अगर ये आधा है यहां तो ये भी आधे में ही बदलेगा, इसी तरीके से क च ट त प आधे है ना, तो देखो बदले भी आधे में ही है, न आधे में बदला है, वांगम्बे के नीचे देखो मैंने हलंत लगाया था आधे में बदला है, षणमुख आधे में बदला है, ये भी आधे में बदला है, ये भी आधे में बदला है। भाई आधा होगा तो आधे में बदलेगा ना, पूरे में कैसे बदल जाएगा, पूरे में तब तक नहीं हो पाएगा ना जब तक स्वर से नहीं मिल जाता, पूरे में तभी होगा जब स्वर से मिलेगा। देखो यहां पर देखो पूरा तभी हो रहा है जब स्वर से मिल रहा है, अदरवाइज जहां व्यंजन से मिल रहा है वहां आधा ही है। नेक्स्ट त संबंधी नियम क्या कहता है कि त के बाद अगर ज हो या झ हो, इन दोनों में से कुछ भी हो, तो अब त बदल जाएगा ज में। जैसे सज्जन, सत जमा जन, त के बाद ज आया त बदल गया ज में। उज्जित, उत जमा जित, त के बाद झ आया त बदल गया ज में। ठीक है, इसी तरीके से उज्ज्वल है आपका, किन दो शब्दों से मिलकर बना है, उत जमा ज्वल, त के बाद ज आया तो देखो त बदल गया ज में। दूसरा स्वर कैसे है, दूसरा स्वर मतलब सलमान, जब हम शब्द को तोड़ रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों जगह व्यंजन ही हो। अच्छा दूसरा स्वर कैसे है बता देती हूं, चलो अगर ये व्यंजन होता तो आधा होता, इस पे मात्रा लगी हुई है तो स्वर है कि नहीं है। अगर ये च लिखा है मान लो, चरित लिखा है, तो इस चरित में अस्वर है, और जिसमें स्वर नहीं होता उसमें नीचे हलंत लगता है। तो ये जो उच्चारण है, यहां च में अस्वर है, च में अस्वर है और छ में अस्वर है, और देखो यहां कोई स्वर नहीं है इसलिए तो ये व्यंजन है, कोई स्वर नहीं तभी तो हलंत लगा है। हाँ तो ये वाला नियम क्या था, त के बाद च हो या छ हो तो त किस में बदल रहा था, च में। और अगला नियम कह रहा था कि त के बाद ज या झ हो तो त बदलेगा ज में। तो देखो अब तक क्या था, दो को देख रहा था एक में बदल रहा था त, अब जिसको देखेगा उसमें बदलेगा। कैसे, देखो पांचवा नियम क्या कहता है कि यदि त के बाद ट से टमाटर हो तो त भी ट से टमाटर में बदल जाएगा, त के बाद ड से डमरू हो तो त भी ड से डमरू में बदल जाएगा,
और त के बाद अगर ल से लट्टू है तो त भी ल से लट्टू में बदल जाएगा। जैसे बृहत टीका किन दो शब्दों से मिलकर बना, बृहत जमा टीका, आपने तो शब्द तोड़ के देखा तुरंत पहचान लिया व्यंजन संधि है, क्योंकि यहां व्यंजन आ रहा है, यहां स्वर आ रहा है, व्यंजन का स्वर से मेल होता है तो व्यंजन संधि होती है। लेकिन पता चले कि त के बाद ट आया तो देखो त बदल गया ट में, और आधा ता था तो बदला भी देखो आधे ट में ही है। उड्डयन उत जमा डयन, त के बाद ड से डमरू आया त भी बदल गया ड से डमरू में। उल्लास उत जमा लास, त के बाद ला से लट्टू त बदल गया ल में। तल्लीन तत जमा लीन, त के बाद ल आया त बदल गया ल में। और उल्लेख उत जमा लेख, त के बाद ल आया त बदल गया ल में। क्लियर? त संबंधी अभी तक सारे नियम क्लियर? त च या छ को देखेगा तो च से चम्मच में बदलेगा, ज या झ को देखेगा तो ज से जहाज में बदलेगा, त ट को देखेगा तो ट में बदल जाएगा, ड को देखेगा तो ड में बदल जाएगा, और ल को देखेगा तो ल में बदल जाएगा। नेक्स्ट, अब खुद तो बदलेगा अपने साथ वाले को भी बदल लेगा। त के बाद अगर श हो तो त बदल जाता है च में और श बदल जाएगा छ में। जैसे उच्छ्वास, आपको तो सिर्फ इतना ही पता करना है उत जमा श्वास से मिलकर बना है। पहले में क्या है व्यंजन, दूसरे में क्या है स्वर, सीधे सीधे क्या हो जाएगा व्यंजन संधि। तो देखो त के बाद श आया तो त बदल गया च में और श बदल गया छ में। सत शास्त्र, सत जमा शास्त्र, त के बाद श आया त बदल गया च में और श बदल गया छ में। तो अब जिसको देखेगा उसमें बदल जाएगा। मैम थर्ड नियम समझा दे, थर्ड नियम में बताया तो था त के बाद च आएगा या छ आएगा तो त च में बदलेगा। अब क्या है त के बाद श आएगा तो त खुद तो च में बदल जाएगा और श भी बदल जाएगा इसके साथ छ में। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा पहले मैं खोल के लिख देती हूं उसके बाद ये नियम। तद्धित को ऐसे भी लिखते हैं ना खोल के, उद्धार को ऐसे भी लिखते हैं और उद्धत को ऐसे भी लिखते हैं, आपको समझने में आसानी होगी, कंबाइंड रूप है। तो देखो त के बाद यदि ह होगा तो अब त बदलेगा द में और ह बदल जाएगा ध में। त किस में बदलेगा द में और ह बदल जाएगा ध में। जैसे तद्धित किन दो शब्दों से मिलकर बनाए, तत् जमा हित, त के बाद ह आया तो देखो त बदल गया द में और हा बदल गया ध में। उद्धार उत जमा हार से मिलकर बना है, त के बाद ह आया तो त बदल गया द में और हा बदल गया ध में। उद्धत उत जमा हत से मिलकर बना है, त के बाद ह आया तो त बदल गया देखो द में और हा बदल गया ध में। क्लियर? सतीश ये नियम है, कोई भी किसी में बदल रहा है, ये नियम है। ठीक है, नियम तो ऐसे ही है, मैंने आपको इसलिए बोला था आपको नियम सिर्फ समझने हैं, याद नहीं रखने, क्योंकि यहाँ पे नियमों के नाम नहीं है। आपने शब्द को शब्द दिया है, मान लो आपको वागीश, आपने शब्द को तोड़ना सीखना है। आपको अगर ये पता होगा कि वागीश वाक जमा ईश से मिलकर बनता है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने देखा कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर है, और जहां पर भी व्यंजन का स्वर से मेल होता है वो व्यंजन संधि होती है। बस आपका काम तो सिर्फ इतना ही है, शब्द को तोड़ो, उसकी परिभाषा से मैच करो, खत्म। ठीक है, और परिभाषा मैंने क्या बताई थी, जहां पर व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा, व्यंजन का स्वर से मेल होगा या स्वर का व्यंजन से मेल होगा, तीनों जगह पे आपकी व्यंजन संधि होगी। तो देखो यहां व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है, सेकंड कंडीशन फॉलो कर रहा है, व्यंजन संधि होगी। इतना ही करना है, शब्द को तोड़ना आना चाहिए बस। ये नियम मैं आपको पढ़ा रही हूँ, संधि संधि कहते हो, बहुत आसान है संधि।
नेक्स्ट म संबंधी नियम, देखो म के बाद अगर य र ल व आ रहा है या श श स ह आ रहा है, मतलब म के बाद अगर आपका कोई भी अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आएगा तो म अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे संयोग सम जमा योग, म के बाद य आया, म बदल गया अनुस्वार में। संहार सम जमा हार, म के बाद ह आ गया, म बदल गया अनुस्वार में। संवाद सम जमा वाद, माँ के बाद व आया, माँ बदल गया अनुस्वार में। संसार सम जमा सार, माँ के बाद स आया, माँ बदल गया अनुस्वार में। और संशय सम जमा शय, माँ के बाद श आया, माँ बदल गया अनुस्वार में। ठीक है, अब आप लोगों ने ये कभी कभी ना कभी सोचा होगा कि जब हम संसार लिखते हैं या जब हम संरक्षण लिखते हैं तो हम हमेशा सन उपसर्ग अलग करने की बजाय सम उपसर्ग अलग करते हैं। सोचा किसी बच्चे ने कि संसार में आ तो न की साउंड रही है लेकिन उपसर्ग यहां पर म क्यों अलग हो रहा है, सम उपसर्ग क्यों अलग हो रहा है? संरक्षण साउंड तो न की आ रही है लेकिन अलग सम उपसर्ग क्यों हो रहा है? पहली बात, सन करके हमारे पास कोई उपसर्ग होता ही नहीं है। दूसरी बात, संधि के इसी नियम के कारण हमेशा सम उपसर्ग ही अलग किया जाता है। ठीक है मैम, बहुत ज्यादा रूल्स हो गए हैं इसमें। गौरव, रूल्स आप सिर्फ स्वर संधि के याद रखेंगे, व्यंजन और विसर्ग के समझ लो, रूल्स के यहाँ पर नाम नहीं है। आपको शब्द तोड़ के बस संधि पहचाननी है कि व्यंजन है या विसर्ग है। स्वर में तो नाम रूल इसलिए याद रखने थे क्योंकि रूल का पर्टिकुलर नाम था, यहां रूल का कोई नाम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नियम। यदि म के बाद म ही आ जाए तो माँ बदलेगा नहीं, मना कर देगा, मैं नहीं बदलता, सेम ही तो है, तो माँ एज इट इज रहेगा। सम्मान सम जमा मान, म के बाद म आया, माँ देखो एज इट इज। सम्मति सम जमा मति, माँ के बाद माँ आया, माँ एज इट इज। आगे का पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का गायब हो रहा है। चलो अभी बताती हूँ गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि क च ट त प के बाद तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, य र ल व ह आ जाए या कोई भी स्वर आ जाए तो फटाफट से बताओ क च ट त प कौन से वर्ण में बदलेंगे, कौन से वर्ण में बदलेंगे? क च ट त प बिना देखे बताना। शाबाश सतीश, तीसरे वर्ण में बदलेंगे। किसे बदलेंगे? तीसरे में, गुड। चलो नेक्स्ट, यदि क च ट त प के बाद न या म आ जाए तो अब बताओ क च ट त प कौन से वर्ण में बदलेंगे, कौन से वर्ण में बदलेंगे अब? शाबाश, कौन से वर्ण में बदलेंगे? पांचवें में, क्योंकि ये पांचवा वर्ण है। चलो नेक्स्ट, त के बाद अगर च या छ हो तो त किस में बदलेगा? त के बाद च हो या छ हो तो त किस में बदलेगा? वेरी गुड, किस में बदलेगा? च में। चलो त के बाद ज या झ हो तो आप बताओ त किस में बदलेगा? झ में बदलेगा, गुड, ज में बदलेगा, यहाँ च में बदल रहा। अब ये बताओ, अभी तो तुम ये बोल रहे थे मैडम नियम याद नहीं है, तुम्हें तो सारे नियम याद है,
तुम तो कह रहे थे पीछे का बोल रहे हैं। क्या हुआ? और भी टेस्ट ले सकती हूँ मैं, और भी टेस्ट ले सकती हूँ, उसके बाद भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और भी टेस्ट ले सकती हूँ। देख देख कर बता बातें हैं मैम, बोल तो देख कर बताए थे। चलो आगे चलते हैं। अपवाद है ये नियम, अपवाद। अगला नियम जो मैं पढ़ा रही हूं आपको अपवाद है, ये आपका है व्यंजन संधि का ये नियम। ठीक है, सहसंबंधी नियम है। सहसंबंधी नियम ये कह रहा है कि अगर स से पहले अ आ को छोड़कर, मतलब अ आ स्वर नहीं आने चाहिए, अ आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए, कोई भी अन्य स्वर आ जाए, तो ये स श में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? श में। किस में बदल जाता है? श में। तो देखो, विषम वी जमा सम से मिलकर बना है, स के पहले अन्य स्वर है, ई आ, आ, आ नहीं है बल्कि ई है, तो ये स किस में बदल जाएगा? श में। ठीक है, जैसे विषाद वी जमा साद से मिलकर बना है, स से पहले अन्य स्वर है ई, तो स को किस में बदल जाना है? श में। और जैसे सुषमा सु जमा समा से मिलकर बना है, स के पहले अन्य स्वर है, स किस में बदल गया? श में। ये अपवाद है, नहीं वाग जमा ईश नहीं कर सकते कनिष्क, वो वाक जमा ईश होता है। ठीक है, वागीश में ये वाला नियम लगता है आपका, ये जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था कि वागीश वाक जमा ईश, तो देखो ये वाला नियम लग रहा है ना, क के बाद स्वर आ रहा है, तो देखो क के बाद अगर कोई भी स्वर आ जाएगा तो क तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो ये वाला नियम लग रहा है, तो वाक जमा ईश होगा, वाग जमा ईश नहीं होगा। आ आने पर नहीं, मना कराए कि आ नहीं आना चाहिए, आ आने पर क्या होगा वो उन्होंने बताया नहीं। ठीक है, नियम भी सभी से रिलेटेड नहीं है, केवल तीन वर्ड अपवाद नहीं है सतीश, ये वाला नियम अपवाद स्वरूप व्यंजन है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी स्वर है, यहां पर भी स्वर है, फिर भी ये व्यंजन संधि है। अब क्यों व्यंजन संधि है ये बता देती हूँ। तो चलो, यहां पर मैंने मान लिया ई है, यहां पर मान लिया मैंने अ है, तो ई अ के मिलने से तो य बनेगा ना भाई, ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो ई या में बदल जाता है ना, लेकिन यहां पर तो य में बदल ही नहीं रहा है, तो ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है ही नहीं। यहां पर भी ई है और यहां पर आ है, तो इसको किस में बदलना है? या में बदलना है ना, अगर स्वर संधि के अकॉर्डिंग चले, स्वर संधि के नियम के अकॉर्डिंग चले, तो ई के बाद अन्य स्वर है तो ई को या में बदलना है, तो यहां पे तो या में बदला ही नहीं, तो इस स्वर संधि का एग्जाम्पल नहीं है। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये व्यंजन संधि के एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आ रहा है? जिस बच्चे ने मेरी स्वर संधि की क्लास नहीं देखी है उसको ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ये कंसेप्ट उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने स्वर संधि की क्लास देखी, क्योंकि स्वर संधि के रूल से मैच ही नहीं करता, इसलिए स्वर का एग्जाम्पल है ही नहीं। नेक्स्ट विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा पे खास ध्यान देंगे क्योंकि शब्द तोड़ के परिभाषा ही काम आएगी। तो विसर्ग संधि कहां पर होगी? ध्यान देना, यदि विसर्ग के बाद स्वर हो या व्यंजन हो तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। मतलब विसर्ग संधि में जब आप शब्द तोड़ रहे हो तो पहले शब्द के आखिरी में आपको विसर्ग दिखेगा ही दिखेगा। अगर विसर्ग है तो विसर्ग संधि है,
अगर विसर्ग है तो विसर्ग संधि है। पहले विसर्ग संधि पढ़ लो, फिर दोबारा मैं बताती हूँ वो क्या है। पहले विसर्ग संधि पढ़ लो। जब आपने शब्द तोड़ा और पहले शब्द के आखिरी वर्ण में आपको विसर्ग मिल गया तो वहां पर विसर्ग संधि है, ठीक है। चलिए अब इसका पहला नियम देखते हैं हम। नियम फर्स्ट क्या कह रहा है? नियम फर्स्ट कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, य, र, ल, व, हो या कोई भी स्वर हो, तो ये विसर्ग हो जाता है गायब। विसर्ग क्या हो जाएगा? गायब। और ये अ को मौका मिल गया, आ बदल जाएगा ओ में। कैसे? देखो, मनोयोग किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मन है जमा योग। आपने शब्द तोड़ के देखा, आप तुरंत पहचान जाओगे विसर्ग संधि है। मनोयोग मन है जमा योग से मिलकर बना है। विसर्ग के पहले न में क्या है? अ। विसर्ग के बाद क्या है? य। तो विसर्ग गायब हो जाएगा और ये अ किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। तो देखो, मनो हो गया, मनोयोग। कितने बच्चे ऐसे जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? मेरे पास एक कमेंट आया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। विजय, कितने बजे से क्लास ले रहे हो मेरी आप? और कितने बच्चे ऐसे जिन्हें समझ आ रहा है? आ रहा है समझ में मैम? मुझे बताओ, जितने 49 बच्चे फिलहाल देख रहे हैं, मुझे बताओ मैम समझ आ गए? विजय फर्स्ट क्लास है, विजय फर्स्ट क्लास है, और वो भी बिल्कुल सेशन के एंड में आए हो आप। आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो निश्चल, हाँ निश्चल विसर्ग संधि है ना। तुम्हें बच्चे आगे पढ़ाऊंगी, अभी रुक तो जाओ। समझ में आ रहा है मैम? यस मैम, ठीक है, मुझे लगा कहीं मेरे पढ़ाने में कमी है। चलो, तो मनोयोग मन है जमा योग से मिलकर बना है। आपको शब्द तोड़ते ही पता चल जाएगा, पहले शब्द का आखिरी वर्ण में विसर्ग लगा हुआ है, सीधे सीधे विसर्ग संधि है। लेकिन ये न नो में कैसे बदला, आपको पता चल गया होगा। विसर्ग के बाद या आया तो विसर्ग हो गया गायब, ये आ बदल गया ओ में, तो ये मन की जगह क्या हो गया? मनो हो गया। नेक्स्ट, मनोहर मन है जमा हर से मिलकर बना है। विसर्ग के पहले क्या? अ। विसर्ग के बाद ह, विसर्ग होगा गायब और आ बदल जाएगा ओ में, क्या हो जाएगा? मनोहर। मनोज मन है जमा ज से मिलकर बना है। विसर्ग के पहले न में अ, विसर्ग के बाद ये क्या है? तीसरा वर्ण है ना, तो यहाँ पे देखो तीसरा वर्ण भी तो था, तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग होगा गायब और ये अ ओ में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? मनोज। थोड़ा सा पेशेंस रखो, 5-7 क्वेश्चन पूछूंगी। विसर्ग संधि के 5 नियम है इंपॉर्टेंट, उसके बाद 5-7 क्वेश्चन पूछूंगी और तुम खुद ही रियलाइज करोगे कि तुम्हें संधि आ चुकी है। ये बेमतलब डर रहे हो। इसी तरीके से मनोनुकूल मन है जमा अनुकूल से मिलकर बना है। विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद क्या है? स्वर है, तो विसर्ग हो जाएगा गायब और ये अ ओ में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? मनोनुकूल। हाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का, चाहे क वर्ग का हो, च वर्ग का हो, ट वर्ग का हो, त वर्ग का हो या प वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, ठीक है। अगला नियम क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के पहले अब क्या हो? ई हो या उ हो, इनमें से कोई भी एक हो, और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, सेम रहेगा पीछे जैसा, सेम जैसा रहेगा पीछे जैसा, बस ये वाला चेंज हो गया है, ई हो या उ हो, और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, य, र, ल, व, ह हो या कोई भी स्वर हो, तो पहले जब विसर्ग से पहले अ था यहां पर, बाकी की सारी चीजें तो सेम ही है ना, तो विसर्ग तो हो रहा था गायब, लेकिन अब तो अ नहीं है, अब क्या है? ई उ, तो विसर्ग गायब नहीं होगा, अब विसर्ग बदल जाएगा र में। किस में बदल जाएगा? र में। नियम क्या कह रहा है?
विसर्ग से पहले ई हो या ऊ हो और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, य र ल व ह हो या कोई भी स्वर हो, तो अब विसर्ग गायब नहीं होगा, विसर्ग बदल जाएगा र में। जैसे निर्जन नि जमा जन, विसर्ग से पहले ई, विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण, विसर्ग किस में बदल गया, आधे र में। और आपको पता है आधे र की मात्रा रेखा के ऊपर लगती है। रेखा के ऊपर लगती है। नेक्स्ट निराधार, नि जमा आधार, विसर्ग से पहले ई, विसर्ग के बाद स्वर, विसर्ग को किसमें बदलना है, आधे रा में, है ना। लेकिन जैसे ही आधा रा स्वर में मिलेगा तो क्या होगा, पूरा हो जाएगा और मात्रा चढ़ जाएगी, देखो निराधार हो गया। नेक्स्ट दुरास्था, दु जमा आस्था से मिलकर बनाए, विसर्ग के पहले उ, विसर्ग के बाद स्वर, तो विसर्ग किस में बदलेगा, आधे रा में, और ये आधा रा जब आ में मिलेगा तो पूरा हो जाएगा प्लस मात्रा चढ़ जाएगी, दुरास्था। क्लियर जी मैम? बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं मैडम निराधार में तो निर अलग होता है और निर में तो ये व्यंजन है, ये स्वर कहाँ से आया, ये आप विसर्ग संधि कैसे कह रहे हो, आया किसी के मन में डाउट? चलो नहीं आया तो मैंने डाल दिया। बच्चे ये विसर्ग की जगह ही तो आधा रा आया है, क्योंकि विसर्ग ही तो आधे रा में परिवर्तित हो रहा है, विसर्ग की जगह ही आधा रा आया है। तो अगर मूल रूप में देखें तो मूल रूप में विसर्ग ही अलग होता है, ठीक है। मूल रूप अलग करना है हमें संधि में, ना कि उपसर्ग अलग करने हैं। उपसर्ग अलग करने की बात आएगी तो निह उपसर्ग होता ही नहीं है हमारा, निर होता है। निह कोई उपसर्ग थोड़ी ना होता है हमारा, निर होता है। और हम जो उपसर्ग अलग करते हैं वो हिंदी के बेसिस पे करते हैं और संधि हम पढ़ रहे हैं संस्कृत के बेसिस पे। तो अगर निह आपका संस्कृत में उपसर्ग है, निह आपका संस्कृत में उपसर्ग है, तो आप यहां पर निह ही अलग करोगे, निर अलग नहीं करोगे, क्योंकि संधि संस्कृत के शब्दों में ही होती है। तो हमें जो अलग करना है वो संस्कृत के अकॉर्डिंग करना है, ना कि हिंदी के अकॉर्डिंग। हिंदी के उपसर्गों में आपको निह मिलेगा ही नहीं, ये संस्कृत के उपसर्गों में मिलेगा। और संस्कृत के ही शब्द में से तो हम अलग कर रहे हैं, संस्कृत के शब्दों की तो संधि कर रहे हैं। तो निर नहीं अलग करोगे, निह अलग करोगे, दुर अलग नहीं करोगे, क्या अलग करोगे, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर, मतलब आ आ नहीं होना चाहिए, विसर्ग अ आ से डरता है, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो आता है। बच्चे इंटरनेट तो ठीक है मेरा, फिर से बता देती हूँ ये नियम। चलो यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद क ख ट प फ में से कुछ भी हो, तो अब ये विसर्ग श से षटकोण में चेंज हो जाएगा। जैसे निष्फल, नि जमा फल से मिलकर बना है, विसर्ग के पहले ई, विसर्ग के बाद फ, विसर्ग बदल गया श में, देखो। चतुष्पष्टी, चतु जमा पष्टी है ये, पष्टी से मिलकर बना है, विसर्ग के पहले उ, विसर्ग के बाद प, विसर्ग बदल गया देखो श से षटकोण में। क्लियर? तीसरे नियम से क्वेश्चन रेयर आते हैं, बट आप एक बात ध्यान देना कि विसर्ग संधि में ज्यादातर आपको श से षटकोण मिलेगा, श से शलजम मिलेगा ज्यादातर, और स से सपेरा मिलेगा शब्दों के बीच में ज्यादातर।
बाकी आपको पहचानना शब्दों को तोड़कर ही है। नेक्स्ट नियम, विसर्ग के बाद यदि च हो, छ हो या श हो, इन तीनों में से कुछ भी हो, तो विसर्ग श में बदल जाता है, आदेशों में। जैसे दुशासन, दु जमा शासन से मिलकर बना है, विसर्ग के बाद श है, तो देखो विसर्ग भी किस में बदल गया, श में बदल गया। निश्चल, नि जमा छल से मिलकर बना है, विसर्ग के बाद च है, तो विसर्ग देखो श में बदल गया। निश्चल, ये दो अलग अलग शब्द हैं, निश्चल और निश्चल अलग अलग शब्द हैं। तो निश्चल नि जमा छल से मिलकर बना है, विसर्ग के बाद छ, तो विसर्ग को किस में बदलना है, श में, देखो बदल गया। निश्चय, नि जमा चय से मिलकर बना है, विसर्ग के बाद च, तो विसर्ग देखो किस में बदल गया, श में बदल गया। क्लियर? रूल नंबर 4। और विसर्ग संधि का लास्ट नियम जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप लोग। लास्ट नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले छोटा ई हो या छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद र हो, तो विसर्ग हो जाता है गायब। विसर्ग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा र को देखते ही, और जैसे ही विसर्ग गायब होता है उसके पहले वाले स्वरों को मौका मिल जाता है। तो जैसे ही विसर्ग गायब होगा, ये छोटी ई बदल जाएगी बड़ी ई में और ये छोटा ऊ बदल जाएगा बड़े ऊ में। फिर से बताती हूं, यदि विसर्ग से पहले छोटा ई हो या छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद र हो, तो विसर्ग हो जाएगा गायब, और जैसे ही विसर्ग गायब होगा तो ये छोटी ई बदल जाएगी बड़ी में और छोटा ऊ बदल जाएगा बड़े ऊ में। जैसे नीरोग, नी जमा रोग से मिलकर बना है, विसर्ग के पहले छोटी ई, विसर्ग के बाद र, विसर्ग हुआ गायब और देखो ये छोटी ई बदल गई बड़ी ई में, नीरोग। नीरस, नी जमा रस से मिलकर बना है, विसर्ग के पहले छोटी ई, विसर्ग के बाद र, विसर्ग हुआ गायब, ये छोटी बदल गई बड़ी ई में, देखो नीरस। दुराज किन दो शब्दों से मिलकर बना है, दु जमा राज से मिलकर बना है, विसर्ग के पहले छोटा ऊ, विसर्ग के बाद र, विसर्ग हो जाएगा गायब और ये देखो छोटा ऊ बदल गया बड़े ऊ में, मात्रा आ गई बड़े ऊ की, दुराज। क्लियर? मैम थर्ड नियम बता दूं, थर्ड नियम मैंने आपको बताया था कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद क, ख, ट, प, फ में से कुछ भी हो, तो विसर्ग श से षटकोण में बदल जाता है। तो देखो निष्फल, नी जमा फल, विसर्ग के पहले छोटी ई, विसर्ग के बाद फ, विसर्ग बदल गया श में। चतुष्पष्टी, चतु जमा पष्टी, विसर्ग से पहले अन्य स्वर है भाई, अ आ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो, तो देखो अ आ नहीं है, उ स्वर है, तो विसर्ग के बाद प है, तो विसर्ग बदल जाएगा श में, देखो बदल गया। क्लियर? मैम एग्जाम में इसी तरह पूछेगा, एग्जाम में नियम पूछेगा ही नहीं, वो तो नियम मैंने आपको पढ़ाए हैं। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, परिभाषा से मैच करना और आंसर दे देना, ठीक है? पहला क्वेश्चन, एक मिनट रुको, सजाति
कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सज्जाति में कौन सी संधि है? अभी पता चलेगा विपुल, शब्द तोड़ना सीख जाओ, नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। सज्जाति में कौन सी संधि है? देखो आया ना एकदम करेक्ट आंसर, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। सत और जाति से मिलकर बना है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन, दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर, त ज को देखेगा ज में बदल जाएगा, व्यंजन संधि है, शाबाश। नेक्स्ट नियम, निराधार, शायद ये मैंने अभी एग्जांपल में लिखवाया, चलो दूसरा लिखो, निर्बल, कौन सी संधि है निर्बल में? शाबाश, कौन सी संधि है? नि जमा बल, विसर्ग संधि है। गुड, थर्ड क्वेश्चन, संचय, कौन सी संधि है संचय में? सम जमा चय से मिलकर बना है, सीधे सीधे व्यंजन संधि है, शाबाश। चलो पूछा गया क्वेश्चन पूछ रही हूं फिर से, वागीश में कौन सी संधि है? चलो बहुत सारा आंसर व्यंजन आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे स्वर भी कह रहे हैं, तो मैं वहां पर मैंने ये जानबूझ के लिखा है। रीजन पता है क्यों? क्योंकि आप यहां से अलग करोगे वाग जमा ईश, मुझे पता है जो बच्चे स्वर कह रहे हैं उन्होंने यही अलग किया होगा, जबकि वागीश वाक जमा ईश में टूटता है। चलो मैं मान लेती हूं कि आपने ऐसे तोड़ा, ठीक है, अब रूल को भी तो मैच कर लो एक बार। वाग में क्या है अ, ईश में क्या है ई, अ और ई के कॉम्बिनेशन से तो ए बनता है, लेकिन यहां तो ए है ही नहीं, तो ये रूल से मैच किया नहीं किया ना भाई? रूल तो यहां पे गुण संधि का लगता ना, फिर अ ई के मिलने से क्या बनेगा, ए में परिवर्तन होगा, तो ये वागेश हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ ही नहीं, तो ये स्वर संधि होगी नहीं, किसी भी कंडीशन पे नहीं होगी। तो जब कभी आप गलत शब्द तोड़ दो तो स्वर संधि के तो नियम याद हो ही गए हैं ना, स्वर संधि के नियम याद हो ही गए। मान लो आप स्वर में गलती से तोड़ भी दो तो एक बार नियम से तो मैच कर लो, क्या आ ई मिलकर ए बना रहा है ऊपर, नहीं बना रहा है। ठीक है, नियम से तो मैच होना चाहिए, शाबाश। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट, एक मिनट, नहीं नहीं वंदना ऐसा कुछ नहीं, संधि इंटरेस्टिंग लग रही है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अरे टेंशन मत लो, आज तुम बिलीव नहीं करोगे मैं सुबह 9 बजे से पढ़ा रही हूं। दिगंबर, हाँ बताओ, क्लियर हो गया? बट मुझे विसर्ग में कंफ्यूजन है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस, शब्द को तोड़ना सीख जाओ,
शब्द को तोड़ना सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे रीट में एक एक, एक क्वेश्चन आएगा बस, एक नंबर का। दिगंबर, शाबाश, व्यंजन संधि है। दिक जमा अंबर, ठीक है, दिक जमा अंबर। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने दिग जमा अंबर अलग करा होगा, तो मैं आपको बता देती हूं ये क्या है। अ, ये क्या है, अ क्या बनाना चाहिए, बड़ा बना रहा है, कहीं नहीं बना रहा, स्वर संधि है ही नहीं, व्यंजन है। क्लियर? तो क्या स्कोर रहा? हाँ मैम, पहले आपकी क्लास, एक्चुअली 10-10 पे मेरा यूट्यूब सेशन था ना, तो आप लोगों की क्लास शाम को शिफ्ट करनी पड़ी। मैम तोड़ना आ गया, तोड़ना सीख जाओ, शब्द को तोड़ना आएगा प्रैक्टिस से, शब्द को तोड़ना आएगा प्रैक्टिस से, ऐसे नहीं आएगा। उज्ज्वल मैंने कई बार पूछ चुकी हूँ, उत जमा ज्वल आपने बताया है, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही है, आपने प्रैक्टिस करी तभी आपको पता है। समझ ना है तो ये हो ही नहीं सकता। थैंक यू राम कुमार, अरे भाई वाह, फुल मार्क्स आए आप लोगों के, गुड, फुल टू फुल। तो सब कुछ क्लियर है, डरा मत करो किसी भी टॉपिक को लेकर, हिंदी की तो किसी टॉपिक को लेकर डरा मत करो। मैं हूँ, जितना कोशिश करूंगी, जितना इजी बना सकूं उतना इजी बना दूंगी, ठीक है। फर्स्ट संधि समझ में आई बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच गणेश, मुझे लग रहा था नहीं कर पाऊंगा। अरे सब कुछ हो जाएगा, जो बच्चे जिन्होंने बाद में ज्वाइन करा उन्हें नहीं समझ में आए, संधि पार्ट वन भी देखना, संधि पार्ट टू भी देखना, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ शब्द तोड़ना सीखना है बस, बाकी बहुत ईजीली हो जाएगा। तो कोई डाउट, सेशन करें ओवर, और बाद में भी कोई डाउट आए तो डाउट सेशन में लिख देना, मैं आपको बता दूंगी। मैम पहले पढ़े हैं बट आपकी, विजय मेरी ना संधि फर्स्ट वाली क्लास भी देखना, एक्चुअली संधि मैंने टू पार्ट्स में पढ़ाई है, तो विजय फर्स्ट वाली क्लास भी देखना, कॉन्फिडेंस आ गया, बहुत इजीली कर लोगे, संधि बहुत आसान है। देखो सलमान, संधि में नियम बहुत सारे हैं, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नियम सारे आपको पढ़ाए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट नियम पढ़ाए गए हैं, जहां से क्वेश्चन फॉर्म होता है, जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक रामबाण तरीका बता दिया है, व्यंजन की जो मूल परिभाषा है कि व्यंजन संधि कहाँ होगी, या विसर्ग संधि कहाँ होगी, या स्वर संधि कहाँ होगी, उसे ध्यान रखना। गुण संधि में क्या होता है, अ के बाद ई आने से ए में परिवर्तन, आ के बाद उ आने से ओ में परिवर्तन, और आ के बाद री आने से अर में परिवर्तन होता है। वंदना, धन्यवाद सतीश। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस जरूर करना, बिना प्रैक्टिस के मेरे ये जो ट्रिक है कुछ भी काम नहीं आएगी, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है, चलिए बाय बाय।